तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीएड रिजल्ट पर लगातार रोक जारी है और वेस्ट बंगाल के न्यू टेट नोटिफिकेशन से पीआरटी में बीएड बाहर हो गया है। जी हाँ दोस्त, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है टीईटी पेपर को लेकर। यहाँ से भी दोस्त बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हर जगह दोस्तों डीएलएड का नाम लिखा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड, ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर भी डिप्लोमा लिखा है तो हर जगह आप डिप्लोमा देख पाएंगे, लेकिन बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, बीपीएससी जारी करेगा पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वालों का परिणाम। जी हाँ, ये भी एक बड़ी अपडेट है। तो देखिए आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन आपको बता दें बिहार टीचर रिक्रूटमेंट आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपी के अभ्यर्थियों ने बनाए फर्जी प्रमाण पत्र, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी होगी आरक्षित वर्ग होगा, जो बिहार में मतलब पहली दो कैटेगरी को छोड़ दे, बाकी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं इनके लिए कट ऑफ सिर्फ पासिंग मार्क के आसपास हो सकती है। जी हाँ दोस्त, अगर आप पास हो रहे हैं तो आपकी नौकरी लगभग लगभग कंफर्म मान सकते हैं। अब देखिए जो एससी और एसटी कैटेगरी है, ये देखिए ये लास्ट में चार, ठीक है ना, इसमें दोस्तों 38.4 नंबर की मिनिमम पासिंग है। अगर आप इतने नंबर भी ले आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी नौकरी कंफर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी में ज्यादा बच्चे आते नहीं है। और देखिए इस कैटेगरी के कुछ ना कुछ बच्चे डेफिनेटली यू आर कैटेगरी में भी क्वालिफाइड होंगे। अब आपको बता दें यू आर कैटेगरी की जो कट ऑफ बनेगी वही दोस्तों अदर स्टेट के लिए भी कट ऑफ मानी जाएगी। अब देखिए आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो किस हिसाब से जारी किया जाता है। यूपी का दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट जारी हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का, इस वैकेंसी में दोस्तों जिन बच्चों को बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों, ठीक है, उनको जब नौकरी दी गई थी तो कैसे मिली थी, देखिए कैसे रिजल्ट आया था। रिजल्ट में आपका नाम लिखा रहेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपके पिताजी का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, जेंडर मेल या फीमेल, कैटेगरी दोस्तों कास्ट यहाँ पर लिखी रहेगी कि ओबीसी के हैं, एससी के हैं, जनरल के, ईडब्ल्यूएस, स्पेशल अगर कोई रिजर्वेशन होगा तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट, ठीक है। और आपका यहाँ पर नंबर शो होगा यहाँ पर, जैसे ठीक है गुणवत्ता था, और यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो दोस्तों सिलेक्शन कैटेगरी का मतलब ये है अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का अच्छे नंबर ला रहा है तो उसका जो सिलेक्शन का कैटेगरी जनरल भी हो सकता है, ठीक है ना। और जेंडर आप समझ गए, फीमेल के लिए अलग से सीटें निर्धारित है, मेल के लिए अलग से है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, नंबर सबके 266.48 यहाँ पर सबके देख रहे हो सेम है, लेकिन यहाँ पर 1988 जिसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो जितना ही ज्यादा उम्र में बड़ा होगा उसको नौकरी उतनी ही पहले मिलेगी। सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर आपका कोई साथी 30 साल का है और आप 35 साल के हैं तो पहले नौकरी किसको मिलेगी, 35 साल वाले को, भले दोनों के 45 नंबर क्यों ना हो, नंबर सेम है लेकिन नौकरी किसको मिलेगी, 35 साल वाले, ठीक है ना, ये समझ गए आप लोग। अब देखिए एक और सवाल अभी देखिए हमने सोशल मीडिया पर पूछा आपसे यूट्यूब के माध्यम से, सर्वप्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, पहले आज हिंदी दिवस है तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतलब देखिए 14 सितंबर 1950 84% बच्चों ने कहा, 14 सितंबर 1947 9% छात्रों ने कहा, एक या एक से अधिक या कोई ने 2%। और दोस्तों जिन बच्चों ने सही आंसर दिया कि सर्वप्रथम हिंदी दिवस जब मनाया गया था वो डेट थी 14 सितंबर 1953, मात्र 5% बच्चे हैं, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि 95% बच्चों का आंसर गलत था, ठीक है ना। अब देखिए वही चीजें होती हैं, आप लोगों को लगता है कि भैया पेपर ये आसान क्वेश्चन में आएगा, ये तो नहीं कहेंगे ना कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे भी है हमारे लिए हिंदी दिवस। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को दोस्त राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बस इतनी बात याद रखिएगा, 14 सितंबर 1953। जी हाँ, मतलब देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया, 95% बच्चों का आंसर गलत था। तो उसी तरह दोस्तों आप लोग को जो कट ऑफ को लेकर देखकर आपको डर लग रहा है ना कि सर जी कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है, देखिए कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट आई थी कि 14 सितंबर को रिजल्ट जारी हो सकता है। पटना से मतलब अपडेट थी कि 3,90,000 अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। 3,90,000 कौन से छात्र हैं, ये बीएड के छात्र हैं, ठीक है, इन बच्चों को राहत नहीं दी गई है। फिलहाल डीएलएड के बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा
और देख सकते हैं कि जिन बच्चों को लग रहा है कि कटा बहुत ज्यादा हाई जा सकती है, ठीक है जा सकती है, कौन सी कैटेगरी में? अनरिजर्व कैटेगरी मेल कैटेगरी हो सकती है और ये फीमेल कैटेगरी, इन दो कैटेगरी के हम कट ऑफ को मान सकते हैं कि हाई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 15,947 में इसमें उर्दू और बांग्ला की भी सीटें हैं, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें हिंदी की सीटें हैं, 16,000 में तकरीबन, ठीक है, तो 13,000 समथिंग सीटें दोस्तों हिंदी की आती है। तो देखिए उसी हिसाब से आपकी तैयारी, अगर आपका रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस भर्ती में जो बच्चा नौकरी नहीं पाएगा 1 to 5 में, उनको बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब दोस्तों जो अक्टूबर में अगले महीने विज्ञापन आ रहा शिक्षक भर्ती का, उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन नहीं होगा, होगा जूनियर के लिए 6 to 8, उसमें भी दोस्तों डीएलएड के बच्चे आवेदन कर पाएंगे, बीएड के बच्चे आवेदन कर पाएंगे, देखिए इसमें बीएड के बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनका टेट ही नहीं क्लियर है, अब देखिए जो बच्चे अदर स्टेट के, उनके लिए सीटेट पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है, पेपर 1 से काम नहीं चलेगा, पेपर 2। अब जो बच्चे बिहार से, तो उनका बिहार टेट पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपका पेपर 2 क्लियर है तब जाकर आपको इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है? 52,000 पद है, ठीक है, इसी के आसपास पद हो सकते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो सिंपल सी बात, इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो आपके साथ धोखा होगा। और देखिए दोस्तों मेरिट लिस्ट को हाई करने का एक नया तरीका कि सभी बीएड वाले अपने फॉर्म करेक्शन करके डीएलएड कर दीजिए। जी हाँ, अब देखिए जिन बच्चों का बीएड है उनको तो पहले से पता हो गया कि भैया पीआरटी से हमें बाहर किया जा रहा है, ये केवीएस से अपडेट थी, केवीएस शिक्षक भर्ती, ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो वहां पर बच्चों ने क्या सोचा कि चलो भैया बीएड को डीएलएड कर दो, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है, होना तो हम लोग का वैसे भी नहीं है, और ये जो 120 नंबर लाकर बहुत खुश हो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इनको सबक जरूर मिलेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, बीएड कैंडिडेट्स के भी भैया नंबर बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएड कैंडिडेट पढ़ने में कमजोर है, नंबर उनके भी बेहतर है, लेकिन जो एनसीटी की गाइडलाइन थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो बीएड में प्राथमिक से बाहर किया जाता है बीएड को। तो अब जो भी है, अब आपके सामने 6 महीने के ब्रिज कोर्स की बात थी, लेकिन कुछ भी बातें बनी नहीं, ठीक है। तो यूपी के अभ्यर्थियों का फर्जी प्रमाण पत्र देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से बच्चों ने सोचा चलो भैया बिहार में आरक्षण लेना है, तो एक काम करते हैं बिहार का पहले निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा दोस्तों आरक्षण, जैसे आप यूपी में ओबीसी में आते हैं तो वहां पर भी सोचो ओबीसी में आ जाए, एससी में आ जाए, एसटी में आ जाए, तो आराम से नौकरी मिल जाएगी। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बहुत से बच्चे बाहर होते हैं, ठीक है ना, इन कुछ बच्चों के चक्कर में दोस्तों बहुत से बच्चों को नुकसान होता है। देखिए अब मान लेते हैं कि इसमें 1,000 बच्चे ऐसे नौकरी पा जाते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाते हैं, हम मानते हैं कि उनको 1 साल के बाद आगे चलकर नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। अब बताइए 1 साल तक उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाती जो उसके असली हकदार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात थी ना, ठीक है ना। तो क्या दोस्तों रिजल्ट आ पाएगा बीपीएससी का? तो हो सकता है दोस्तों, देखिए पीआरटी का प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला रिजल्ट हो सकता है आज ना है, लेकिन कोई ना कोई रिजल्ट आज से आना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए आज का, और जो बच्चे कम नंबर भी ला रहे हैं उनकी भी नौकरी लग सकती है, लेकिन कट ऑफ को कैसे हाई किया जाता है वो आप समझ गए, ग्रुप के माध्यम से लोग कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाए, ठीक है, उनको सिलेक्शन तो होना नहीं है। अब देखिए अगर सिर्फ डीएलएड के बच्चों की मेरिट आएगी तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ क्या रहेगी? कम रहने वाली है। अगर कट ऑफ में डीएलएड और बीएड दोनों बच्चों को जोड़ दिया जाएगा तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, क्योंकि तो बीएड के बच्चों ने भी अच्छी तैयारी की थी, ऐसा नहीं कि बीएड के उम्मीदवार कमजोर थे, तैयारी उनकी भी बेहतरीन है, नंबर उनके भी बेहतर आ रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, बीएड के बच्चे मतलब जो बच्चे बीएड के, अगर उन्होंने भी ठीक है अपना डीएलएड चेंज कर लिया और उनका डीएलएड है भी नहीं, तो फिर कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए ट्विटर के माध्यम से देख लिया जाए, कुछ और अपडेट्स तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, चलिए आते हैं सीधे। तो ये दोस्तों देखिए हमने जो सवाल पूछा था यूट्यूब पर, लगभग 50 मिनट होने को आए हैं, अब तक देखिए कितने बच्चों ने वोट किया है, ठीक है, इसको जरा सा रिफ्रेश करके देखते हैं आपके सामने लाइव देखा जाए। तो अब तक 3,000 से ज्यादा बच्चों ने वोट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि चलिए अब कम से कम 1953 वाला परसेंटेज 5 से 6% हुआ, बढ़ रहा है, लेकिन ये दोस्तों गलत वाले विकल्प पर इतना ज्यादा टिक हो रहा है, गजब है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर भी हम सही आंसर भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कमेंट में अपडेट कर देते हैं, नहीं तो काफी बच्चे गलत को ही टिक करते चलेंगे। देखिए दोस्त यहाँ बच्चों का कमेंट भी क्या है, इसको भी जरा देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बी टेट बी टेट बी टेट ओनली बिफोर बी टेट नेक्स्ट वैकेंसी थैंक्स,
तो अब देखिए बच्चों का कहना यही है, सही बात है कि बिहार का टेट एग्जाम होना जरूरी है, लेकिन बिहार टेट से फायदा सिर्फ बिहार के ही बच्चों को होगा, सीटेट का एग्जाम हो जाए दोबारा से तो सभी को फायदा होगा, या पेरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका मिलना चाहिए। देख सकते हैं दोस्त अतुल जी का जो लेटेस्ट ट्वीट है अभी कल आया था 15 घंटे पहले, उसके बाद अभी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, चलिए देखते हैं क्या अपडेट आती है। बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट दोस्त देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार का हमारा रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, तो बिल्कुल तैयारी है हमारी दोस्तों। आज 14 तारीख है, 13 तारीख तक की यहाँ लेटेस्ट अपडेट आई है, तो जल्दी दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट हमें देखने को मिल सकती है, तैयार रहिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।